हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एमडी मामूर और आप देख रहे हैं करण क्या वाले यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा मस्जिद है, ये पंचवक्ता मस्जिद है और जिसको कि छोटी मस्जिद बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि दोस्तों पांच टाइम का जो है कि नमाज होता है। इसको छोटी मस्जिद क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जुमा का नमाज नहीं होता है, तो इसकी वजह से इसको छोटी मस्जिद बोलते हैं। और हमारे घर के बगल में ही है बड़ी मस्जिद है, जहाँ पे जुमा का नमाज होता है। पांच वक्त का नमाज उसमें भी होता है, पांच वक्त का नमाज इसमें होता है। डिफरेंट यही है कि इसमें जुमा का नमाज नहीं होता है और जो बड़ी मस्जिद है उसमें जुमा का नमाज होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे काम क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये टावर बनाया गया है, यानी कि बांस गाड़ करके जो है कि ये टावर बनाया गया है। और यहाँ पे काम क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो है कि वजू खाना बनना है, तो ये जो है कि मदनी की तरफ से वजू खाना का जो है कि यहाँ पे काम चल रहा है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको पानी दिख रहा होगा, वहाँ पे एक गड्ढा मारा गया है और उस गड्ढे के अंदर में पानी है। और ये जो होंडा मशीन देख रहे हैं आप, यानी कि वाटर पंप, उस पानी उस यानी कि वाटर पंप के थ्रू जो है कि वहाँ पे अभी उस गड्ढे से पानी उठा करके, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये बोर करने के लिए दोस्तों ये मशीन है। और यहाँ पे जो बोर होगा दोस्तों, ये लगभग 150 फीट जो है कि दोस्तों बोर होगा इसमें। ये मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा जो है कि लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है कि चैन पुली लगाया गया है, ये नीचे में एक है और एक ऊपर में लगाया गया है, ये देख सकते हैं। और ये व्यू देख सकते हैं यहाँ का, ऐसा व्यू है। और ये जो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पानी आ रहा है, तो ये मोटर के थ्रू यहाँ पर पानी आ रहा है। और ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर में पानी फुल कर दिया गया, क्योंकि ये जो देख सकते हैं यहाँ पे वाटर पंप है, यानी कि ये जो मशीन है इसको होंडा मशीन बोलते हैं। तो इसी में जो है कि दोस्तों, ये देख सकते हैं ये जो सेक्शन पाइप है, ये इसमें लगेगा और इस गड्ढे में छोड़ा जाएगा। इस गड्ढे से पानी उठा करके दोस्तों, यहाँ पे जो ये मशीन मैंने आप लोगों को दिखाया, इस मशीन के अंदर में लगाया जाएगा और उसके बाद आगे का काम यहाँ पे जो है कि चालू होगा। तो अभी दोस्तों मैं वीडियो को रोकता हूँ और आगे का जो है कि प्रोसेस वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वीडियो में आप लोग जो है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये भाई साहब जो है कि पूरा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जो पाइप है इसको यहाँ पे डाल दिया गया है, और ये वाला जो पाइप है, एक छोर इसका जो है कि पानी में डाल दिया गया है गड्ढा में, और दूसरा छोर जो है कि इसका अभी वाटर पंप पे लगाया जाएगा और उसके बाद मशीन चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि आगे का काम यहाँ पर चलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा सही जो भी आप लोगों को लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बोर करने वाला मशीन है वो यहाँ पे आ चुका है, और ये जो चैन पुल्ली का हुक है इसमें इसको लगा दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पर ये रस्सी खींच रहे हैं, और वहाँ पर जो चैन पुल्ली है वो भी घूम रहा है, और ये वाला जो चैन पुल्ली है ये भी घूम रहा है, और ये जो बोर करने वाला जो मशीन है वो ऊपर उठ रहा है। और धीरे धीरे करके जो है कि यहाँ पर जो इसका फाइनल जो जगह है, तो चलिए मैं दूर दूर से दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मशीन है जो बोर करेगा यहाँ पे, इसका जो है कि ये खड़ा हो चुका है, और जिस सामने में बोर होगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये जो इसमें दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो मशीन है इसमें जो पाइप लगाया गया है, ये पतला वाला पाइप, जो सेक्शन पाइप है वो मोटा है, और ये जो पाइप मशीन में लगा हुआ है ये कुछ पतला पाइप है जो कि डायरेक्ट वहाँ मशीन में लगेगा, और उसके बाद मशीन से जो डायरेक्ट पानी है इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे जो है कि दोस्तों ये बोर करेगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये मशीन है, इसमें जो है कि दोस्तों ये नॉक बना हुआ है, यही जो है कि ज़मीन के अंदर में होल करेंगे, यानी कि बोर बनाएंगे। लाओ जल्दी लाओ, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो वाटर पंप है इसका एक छोर जो है कि पानी में डाल दिया गया है ये गड्ढा में, और उसके बाद दोस्तों ये जो पानी इसका आउटपुट है, तो ये डायरेक्ट साइड हो, तो देख सकते हैं ये है पाइप, ये डायरेक्ट जो है कि दोस्तों वहाँ मशीन में गया हुआ है, यानी कि यहाँ से ये पानी फेंकेगा तो डायरेक्टली जो है कि ये यहाँ पे बोर का काम जो है कि दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये भाई साहब जो है कि ये जो बोरिंग का, यानी कि जहाँ से पानी फेंकेगा उसके अंदर में पानी डाल रहे हैं, अब मशीन स्टार्ट किया जाएगा, तब जा करके इस पाइप को जो है कि उसमें लगाया जाएगा।
तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। जो भी काम यहाँ पे होगा सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि किस तरह से जो है कि यहाँ पे बोर किया जाता है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जो है कि वजू खाना बनना है। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, मैं जस्ट मस्जिद के बगल में और रोड के साइड में जो है कि ये जगह फ्री वाला जगह है, तो इसी में जो है कि दोस्तों यहाँ पे हमारा काम होना है, यानी कि वजू खाना बनना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी जो है, ये जो पाइप है, ये वाला पाइप सेक्शन पाइप जिसको बोलते हैं, ये पूरी तरह से फुल हो चुका है। ठीक है, अब इस वाले पाइप में जो है कि पानी डाल रहे हैं। और वो जो पतला वाला पाइप है ये मोटर से आया हुआ है, मोटर जो है कि हमारे घर पे चल रहा है तो उससे पानी यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी फुल हो चुका है। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। और ये यहाँ पे हमारे भाई साहब आ गए हैं जो है कि लाल टी शर्ट वाले भाई साहब, यही जो है कि यहाँ पे काम करवा रहे हैं। मदनी की तरफ से ये आदमी आए हुए हैं, बोले ना हो ये आदमी जो है ना सोलन बाजार वाला आदमी है, सोलन बोल सकते हैं आप। तो ये भाई साहब देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है दिखने में। कौन है तो लाइव बना जिंदगी बोलो तो थोड़ा चीते टाइप बात नहीं, नहीं मेरा भाई साहब जो है कि देखने में इतना क्यूट लग रहा है, आप इसको इस तरह का बात बोल रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। आदमी अच्छा है लेकिन थोड़ा चुतिया टाइप का आदमी है। तो आप अभी जब बैनर लगाइएगा हमको बता दीजिएगा। बैनर लगाएंगे वो समझ लीजिए, आपको मशीन स्टार्ट हो जाएगा तो बैनर लग गया। थोड़ा आपके आपके लिए थोड़ा एक दो मिनट लग जाएगा, दिखा देगा आपको। हम लोग का काम हो जाएगा तब एक दो मिनट आपको दिखाएंगे। क्या उठा पोतला पहले है हेलो तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पाइप लगाया गया है, यानी कि ये जो वाटर पंप है, इधर से पानी निकलता है, इधर से पानी खींचता है ये, इधर से पानी निकलता है। तो इसको जो है कि इसके अंदर में पतला वाला पाइप डाला गया है और इसको जो है कि ट्यूब से पूरी तरह से जाम कर दिया गया है ताकि थोड़ा सा भी लीक ना हो। और इसके जो यानी कि पानी निकलेगा वो पानी प्रॉपर जो है कि वहाँ पे जाएगा, देख सकते हैं वहाँ पे जो मशीन लगा हुआ है और जो पाइप अटैच है वहाँ, इसी यहाँ वाटर पंप के थ्रू वहाँ पे पाइप जाएगा और उस पाइप के थ्रू जो है कि दोस्तों पानी नीचे गिरता रहेगा और होल होता रहेगा, यानी कि हमारा जो बोर है वो होता रहेगा। जैसे जैसे बोलेंगे हम लोग वैसे ही करना होगा, एकदम ध्यान हम लोग के ऊपर रखना होगा, इंजन के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं और यहाँ का जो है कि सीन आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह से। मानना जल्दी है पानी चला लो। तो दोस्तों देख सकते हैं आज तुम ये टेंशन लाओ ना। तो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो भाई साहब है वो मशीन चालू कर दिए हैं। और मेरा जो है कि दोस्तों आपको साउंड कम आएगा इसलिए करके मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी जो है कि इस तरह से आ रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये मिस्त्री साहब है और ये जो है कि इसमें ट्यूब लगाए हुए हैं, अब ये क्या करने वाले हैं ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि हमारे मिस्त्री भाई साहब जो है कि ये पूरी तरह से परेशान है। परेशान इसलिए करके है कि इसको घूमना चाहिए लेकिन ये घूम नहीं रहा है, इसके वजह से ये हमारे जो मिस्त्री साहब है वो लगे हुए हैं। अभी जो हमारे मिस्त्री साहब है वो लगे हुए हैं इसको फ्री करने में, ताकि ये जब बोर हो उस टाइम जो है कि ये घूमे, अगर नहीं घूमेगा तो दोस्तों काम नहीं हो पाएगा। आप
तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक आदमी लगा हुआ है जो कि रस्सा खींच रहा है, और ये जो हमारा चैन चिल्ली के थ्रू जो है कि जो मशीन है हमारा बोर करने वाला वो ऊपर के साइड जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको।